तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विंटेज गाड़ी। और आज हम लेके आए हैं बजाज चेतक क्लासिक SL। और इसमें हम आज इस गाड़ी में हम इंजन ऑयल बदलेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा हम इंजन ऑयल कैसे बदलते हैं। बाकी सब स्कूटर में भी चेतक वेतक में ऐसे ही इंजन ऑयल बदलते हैं। तो इंजन ऑयल बदलने के लिए हमें इंजन वाली साइड जाना होता है, जहाँ से हम किक मारते हैं वहीं पर इंजन होता है, मतलब कि राइट साइड स्कूटर के, और वहाँ से हम इंजन ऑयल बदलते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी किक वाली साइड है, और यहाँ पर ये जो आप पहला नट देखेंगे जिस पे ऑयल लिखा हुआ है, ये 11 नंबर का नट होता है। यहाँ से हम इंजन ऑयल डालते हैं, और एक नट 11 नंबर का ही नीचे होता है, जहाँ से हम इंजन ऑयल जो है पुराना निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उस पर भी ऑयल ही लिखा होता है, पर मेरे केस में उस पर ऑयल नहीं लिखा। तो ये रहा वो नट, इसे हम इंजन ऑयल निकालते हैं पुराना। तो चलिए दोस्तों, आप स्कूटर को टेढ़ा कर देते हैं और उसका इंजन ऑयल निकालते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कैस्ट्रोल GTX यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई दूसरा इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे 80 से 90 रुपये में आपको आधा लीटर मिल जाता है इंजन ऑयल। ये मेरे को 150 रुपये का मिला बाज़ार से, और अब मैं 11 mm का गुटी से ऊपर वाला नट खोल रहा हूँ। अगर आपके स्कूटर में, ये मैंने एक साल से इंजन ऑयल इसका नहीं बदला है, इसलिए मेरा इंजन ऑयल लगभग सूख चुका है, इसलिए मैं ऊपर वाला नट पहले खोल रहा हूँ। अगर आपके स्कूटर में इंजन ऑयल पहले बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर वाला नट पहले मत खोलिए, पहले नीचे वाला नट खोलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खोल लिया है ऊपर वाला नट, और आप देख सकते हो ये लगभग सूखा है ऊपर वाला, ऊपर वाला वरना लीक करता है। अभी मैंने स्कूटर सीधा ही खड़ा रखा है साइड स्टैंड पे। अब नीचे वाला मैंने खोला है, तो उससे अभी ये साइड स्टैंड पे, अब मेन स्टैंड पे है, और ये आप देख सकते हो बहुत कम इंजन ऑयल आ रहा है, और जो आ रहा है वो एकदम काला कार्बन वाला आ रहा है, और बहुत मोटा आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है। तो ये मैं एक साल के बाद इंजन ऑयल बदल रहा हूँ। आपको बदलना चाहिए 3-3 महीने के बाद, पर मैं एक साल के बाद बदलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने स्कूटर को टेढ़ा कर दिया, और ये मैंने 10 रुपये की पिचकारी ली है होली में खेलने वाली, और अब मैं इसे इंजन ऑयल यहाँ से ऊपर वाले इनलेट से भरूँगा, और नीचे वाला हमें नट वापस टाइट कर लेना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने स्कूटर को दो टायरों पर लिटा दिया है, ताकि मेरे स्कूटर को कोई स्क्रैच ना आए, और जो मेरा फ्लोर है वो भी ख़राब ना हो। तो आप भी ऐसे पुराने टायर लेके उसके ऊपर स्कूटर को पूरी तरह लिटा सकते हैं। तो दूसरी बात ये है, जब हम इंजन ऑयल डालेंगे तो हम इसमें पूरा इंजन ऑयल कभी भी नहीं डालेंगे, जो कि 500 ml होता है। हम 500 ml से 100 ml कम ही डालेंगे इंजन ऑयल, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम जब भी 500 ml पूरा या 500 ml की बॉटल डाल देते हैं, तो कभी कभी स्कूटर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ओवरफ्लो होने के कारण स्कूटर के अलग अलग जगह से वो लीक होने लगता है। जैसे कि जहाँ पर आपकी क्लच वाली डिब्बी होती है, क्लच वाली डिब्बी से लीक होता है, या फिर गियर डिब्बी जो होती है वहाँ से भी आपका इंजन ऑयल कभी कभी लीक होता है, और कभी कभी सील्स ख़राब होने की वजह से इंजन से भी लीक होता है। पर अगर आपका स्कूटर पहले लीक नहीं कर रहा था, तो ये और इंजन ऑयल डालने के बाद लीक कर रहा है, तो इसका कारण यही है कि आपने इंजन ऑयल ज़्यादा डाल दिया है, वो ओवरफ्लो है। तो उस केस में आपको इंजन ऑयल को फिर या तो थोड़ा कम कर लेना है, या फिर उसको लीक होने दो, जब तक एक लेवल पे आके वो लीक होना अपने आप ही बंद कर देगा। तो दोस्तों, अब चलिए, अब मैं फनल यूज़ करके इंजन ऑयल डालता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो, ये नया इंजन ऑयल कितना साफ दिख रहा है पुराने इंजन ऑयल से के मुकाबले, और मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इंजन ऑयल को आज तक पूरा
डाल दूंगा, और आपको ध्यान रखना है कि आपने नीचे वाला नट ठीक से बंद किया हो टाइट करके, वरना इंजन आपका इंजन ऑयल लीक हो जाएगा स्कूटर को सीधा खड़ा करने के बाद ही। तो आप ऐसे ही आस्ता आस्ता करके मैं डालते रहूँगा इस वीडियो को। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, और लास्ट में हमें पूरा पूरा मतलब कि पूरे से थोड़ा कम 500 ml से थोड़े कम ऑयल डालने के बाद वापस 11 नंबर का जो हमारा नट है ऑयल वाला वो लगा के हमें ये बंद कर देना है। तो इस वीडियो में यही इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो पे दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।